हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बाबा रामदेव ने लॉन्च की संस्कारी जीन्स, खुद इसको पहनकर प्रमोशन करते दिखाई दिए। स्वदेशी का नाम जपने वाले बाबा रामदेव को आखिर एक एक करके विदेशी चीजों के सामने झुकना पड़ रहा है, इसलिए वह हर एक विदेशी चीज को स्वदेशी का नाम देकर पतंजलि के ब्रांड से मार्केट में उतार रहे हैं। लेकिन अब तो बाबा ने हद ही कर दी। खुद हमेशा धोती में रहने वाले और कभी कभार महिलाओं की सलवार कमीज पहनने वाले बाबा रामदेव अब एक विदेशी जीन्स को बेचने की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, स्वदेशी और संस्कारी जीन्स के नाम से बाबा रामदेव ने इसको पतंजलि ब्रांड से जल्द ही मार्केट में उतारने वाले हैं। बाबा ने यहाँ तक कह दिया है कि यह संस्कारी पतंजलि जीन्स लूज फिटिंग की होगी, ताकि महिलाएं अपने भारतीय कल्चर के हिसाब से इसको पहन सके। खुद बाबा इस संस्कारी पतंजलि जीन्स को पहनकर इसका प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। अब जब पतंजलि के हर उत्पाद को खुद बाबा रामदेव प्रमोट करते नजर आते हैं, तो जीन्स को वो कैसे छोड़ सकते थे। सूत्रों के मुताबिक इसको पतंजलि इंडिया फैशन वीक के फैशन इवेंट में ग्रैंड तरीके से लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं। आखिर इस स्वदेशी जीन्स की क्या खासियत है और कैसे यह विदेशी डेनिम जीन्स से अलग है। सुनने में आया है कि इस पतंजलि जीन्स को डेनिम से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि घास फूस को कॉटन कपड़े के साथ प्रोसेस करके खास किस्म का आयुर्वेदिक और हर्बल कपड़ा बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल इस पतंजलि की जीन्स को बनाने के लिए किया गया है। और यह जीन्स इतनी लूज फिटिंग की है, एक बेल्ट भी इसको आपकी कमर पर नहीं रोक पाएगी। इसको कमर से कसने के लिए आपको एक खास किस्म की पतंजलि रस्सी का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ उस रस्सी की गांठ ही इस लूज फिटिंग जीन्स को रोक पाएगी। यह जीन्स इतनी कंफर्टेबल होगी कि आप इसको पहनकर ही योगा, आसन, कपाल भारती, प्राणायाम इत्यादि कर पाएंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।